अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन बाय द वर्च ऑफ अलमाइटी अल्लाह। ओपन पेज नंबर 49 ऑफ योर इंग्लिश बुक। व्हाट वी आर रीडिंग द लेटर ओ एंड ओ लेटर वर्ड्स। वी हैव रेड सो मेनी ओ लेटर वर्ड्स लाइक ऑक्स, ऑल, ऑनियन, ऑरेंज, ऑक्टोपस, ऑस्ट्रिच। आज भी हम कुछ ओ लेटर वर्ड्स पढ़ेंगे, ओके। ओ इज़ फॉर ऑयल। ऑयल जो है इसके बहुत सारे अक्साम होते हैं। ऑयल हम तेल को कहते हैं, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल हो, हेयर ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, उसको हम क्या कहते हैं? तेल या ऑयल। उर्दू में तेल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑयल। दिस इज ऑयल, ओके डियर, दिस इज ऑयल, बट इट इज़ वेजिटेबल ऑयल। इसी तरह बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आपकी मामा आपके बालों में क्या लगाती हैं? ऑयल। और वो जो ऑयल होता है वो हेयर ऑयल होता है, ठीक है। जब भी आप तेल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसको हम इंग्लिश में ऑयल कहते हैं। रम इज लोडिंग ऑयल इन टू शिप, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। रम इज लोडिंग ऑयल इन टू शिप, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। और इट्स फॉर ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना, ठीक है। आप जब मार्केट जाते हैं तो आप नया पेन लाते हैं और आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है घर में पेन, तो आप उसको क्या कहते हैं? ये पेन ओल्ड है, ओके, यानी ये मेरा पुराना पेन है, ओके। या जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? ओल्ड पीपल, यानी पुराने लोग। वी शुड रेस्पेक्ट ओल्ड पीपल, वी शुड रेस्पेक्ट ओल्ड पीपल, आई टोल्ड हर एन ओल्ड स्टोरी। ओ इज फॉर ओशन। ओशन इज अ लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है। इसको हम उर्दू में समंदर कहते हैं या बहर कहते हैं। जब भी आप कभी बहुत बड़ी वाटर बॉडी देखोगे तो आप समझ जाओगे इज एन ओशन। वेरी गुड। ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी, ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी, देयर आर फाइव ओशंस इन वर्ल्ड। ओ इज फॉर अक्टूबर। अक्टूबर जो है ये साल के मंथ का नाम है, साल के महीने का नाम है, एंड इट इज द 10th मंथ ऑफ ईयर। और बाकी जो मंथ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसी तरह अक्टूबर भी ईयर का एक मंथ है, ठीक है। October is the 10th month of year. October is the 10th month of year. Mary has admitted in school in early October. Okay. तो क्या क्या पढ़ा हमने आज? Oil, old, ocean, October. Now here is an exercise for you. What you have to do? You have to write here the letter O. Okay. Letter O. स्मॉल बी और कैपिटल बी आपको इन तीन लाइन, इन तीन बॉक्सेस में लिखना है और यहाँ पे आपको कर्सिव ओ लिखना है, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।